दिल्ली में इन दिनों चुनावी मौसम चल रहा है। 8 फरवरी को यहां वोटिंग होनी है। सवाल यह है कि क्या दिल्ली की जनता एक बार फिर केजरीवाल पर भरोसा करेगी या फिर इस बार कमल खिलेगा। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए भारत समाचार पहुंचा देश की राजधानी दिल्ली में, जहां हमारे संवाददाता कुमार पुष्कर ने जनता से बात की और समझने की कोशिश की कि आखिर दिल्ली के दिल में क्या है। नमस्कार, मैं पुष्कर मिश्रा। मैं इस वक्त तिमारपुर विधानसभा के वजीराबाद गांव में मौजूद हूं। दिल्ली के दिल में क्या है? दिल्ली विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और मैं इस वक्त दिल्ली के तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के वजीराबाद में मौजूद हूं। लोगों के दिल के बारे में जानेंगे कि आखिरकार दिल्ली के दिल में क्या है। दिल्ली के दिल में क्या है? दिल्ली के दिल में विकास है। कैसा विकास? किसका विकास? विकास बीजेपी का विकास, आम आदमी पार्टी का विकास, जनता का विकास? जनता का विकास निश्चित रूप से, जो अभी वर्तमान सरकार है उसने कुछ विकास किए हैं पिछले सालों में, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो, पॉली क्लिनिक हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, लेकिन पूर्ण रूप से जो विकास चाहिए वो विकास नहीं हो पाया है। मोदी मैजिक चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि बीजेपी ही विकास का पर्याय है। और तिमारपुर जैसे बीजेपी ने कुछ नहीं किया, आम आदमी पार्टी, बीजेपी ने विकास की गंगा बहाई है। लेकिन पॉली क्लिनिक की बात करें, बिजली फ्री की बात करें, पानी की बात करें, सब फ्री है। क्योंकि ये दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है, लेकिन यदि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो पॉल्यूशन को कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हाईवे का जाल बिछाया है चारों तरफ, जिससे पॉल्यूशन काफी कम हुआ है दिल्ली के अंदर। यदि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है तो इससे कई गुना ज्यादा बेहतर काम दिल्ली के अंदर होंगे। मोदी मैजिक चलेगा, मोदी मैजिक चलेगा, मोदी मैजिक चलेगा क्या? नहीं, मोदी की मैजिक नहीं चलेगा। दिल्ली की जनता, ये चुनाव जो है विधानसभा का है और दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि केजरीवाल जी को लाना है, क्योंकि उन्होंने विकास किया है और ये विकास के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। ये यहाँ पे कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। पानी फ्री किया आम आदमी पार्टी ने, पानी फ्री किया, बिजली फ्री किया, आपको लगता है कि फिर से आम आदमी पार्टी चुन के आएगी? नहीं, किसी हालत में आम आदमी पार्टी आने वाली नहीं है, न आएगी। इसका कारण है कि इन्होंने जुमलेबाजी किया है। अभी आप रोड की स्थिति दिखाइए, रोड की स्थिति क्या हो पड़ी है इसकी भी जायजा लीजिए। अभी तक ये 5 साल में इस पे एक रोड़ी भी नहीं डाला गया। उसके बाद गलियों में जाकर स्थिति देखिए, आप चलने लायक स्थिति में नहीं है। आज यही स्थिति बनी हुई है और आज ये जो भी अपने सब्सिडी देने की बात कर रहे हैं, सब्सिडी में कुछ भी नहीं दे रहे हैं, सब्सिडी में केवल जुमलेबाजी हो रही है। मोदी मैजिक बिल्कुल चलेगा। मैं आपके 2 इशू पे मैं बताना चाहता हूँ। पहला, फ्री। लोग फ्री के चक्कर में ना रहे, नहीं तो जिंदगी फ्री हो जाएगी लोगों की, नंबर वन। नंबर टू, दिल्ली को हमें राज्य की तरह नहीं देखना चाहिए, ये कैपिटल भी है हमारा। और यहाँ जो बीते दिनों में जो हालात हुए हैं, जो घटनाएं हुई हैं, ना तो कांग्रेस ना आम आदमी पार्टी किसी ने भी आवाज नहीं उठाया कि इसे नहीं होना चाहिए। सारे रास्ते बंद कर दिए गए, ये कर दिए गए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए दिल्ली के लिए, जो शायद लोगों को समझ में आना चाहिए। व्यापारी की तरफ से देखा जाएगा तो व्यापारी की स्थिति अभी बड़ी गंभीरता से होकर गुजर रही है। अभी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी सरकार किस तरीके के नए नए ट्रिक्स आजमा रहे हैं, किस तरीके की नई नई योजनाएं लेकर आ रहे हैं। वो आने वाले कुछ समय के अंदर और खुल के दिखेगा। तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ये अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा धोखेबाज आदमी है, जिसको जो नहीं कहना चाहिए वो बोल जाता है और करता कुछ भी नहीं है। ये बताइए, मोदी मैजिक चलेगा? मोदी मैजिक भी चलेगा जी, बिल्कुल चलेगा। कैसे चलेगा? क्या काम किया मोदी जी ने? क्या काम किया मोदी जी ने? सारे काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट जितना हो रहा है वो मोदी जी ही करा रहे हैं हिंदुस्तान में अभी, और कौन करा रहा है। बार बार मैं विकास की तरफ आ रहा हूँ, आप बोल रहे हैं कि विकास होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्या देखते हैं, विकास हुआ क्या? नहीं, जो निचले स्तर पे थोड़े से विकास जो हुए हैं वो तो मानने वाली बात है, चाहे वो बिजली में सब्सिडी की बात हो या मोहल्ला क्लिनिक की बात हो या पॉली क्लिनिक की बात हो या फ्री पानी की बात हो, शिक्षा में थोड़ी सुधार हुई है। लेकिन जो मूल रूप से जो विकास चाहिए, जो बुनियादी सुविधाएं जो चाहिए हमें, जैसे पानी की निकासी हमारे क्षेत्र में नहीं है, इससे हम बहुत ज़्यादा अभी आधे घंटे की बारिश हो जाए तो यहाँ किश्तियाँ चलने लगती इस सड़क के ऊपर, उसका विकास हमें, यहाँ से पानी की निकासी चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, जो पीने का पानी नहीं आ पाता है, आज भी बिस्लरी वाटर खरीद कर हमें पीना पड़ता है। हमें तो ऐसा विधायक चाहिए जो हमारे क्षेत्र का विकास कर सके। जो ये जो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का जो मैजिकल आंकड़ा था 67 का, फिर दोहरा पाएंगे क्या अरविंद केजरीवाल? ये कभी संभव नहीं है। जहाँ तक बिजली और पानी की सवाल पे चर्चा हो रही है,
उन्होंने बोला कि दिल्ली में हम पानी फ्री दे रहे हैं। आपको पता होना चाहिए दिल्ली जल बोर्ड 800 करोड़ घाटे में चल रहा है, क्या इनकी सरकार बनने के बाद ये दिल्ली जल बोर्ड को कायम रख पाएंगे या वित्तीय स्थिति इतनी खराब होगी कि उसे भंग करना पड़ेगा। आप ये बताइए, केजरीवाल जी को आप जानती हैं? हाँ जानती हैं। ओ, कैसा काम है? अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम किया। अच्छा काम है। मोदी मैजिक बिल्कुल नहीं चलेगा। दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर है। केजरीवाल एक तरफा यहाँ पे सरकार बना रहा, दो या तीन सीट बीजेपी, इतनी ही कांग्रेस, और आदमी पार्टी केजरीवाल 57 सीट आराम से। अंकल ये बताइए, केजरीवाल मैजिक चलेगा क्या इस बार फिर से 5 साल बाद? देखो जी, यहाँ तो चल रहा है। क्यों, ऐसा क्यों? यहाँ कोई काम नहीं किया विकास का, सब सारे पॉली क्लिनिक दिया, मोहल्ला क्लिनिक दिया, मोहल्ला क्लिनिक उधर है जाकर, और फिर आधे टाइम रहता। आपकी दवाइयाँ मिलती हैं क्या वहाँ? कहाँ मिलती है, आधी मिलती है आधी नहीं मिलती, बाजार से लेनी पड़ती है। मोहल्ला क्लिनिक में केवल करप्शन हुआ है। अगर जो हमारे पहले के वो है यहाँ पे मेडिकल की और व्यवस्थाएं थी, उन्हीं बिल्डिंगों को अगर ये सही किए होते तो आज शायद मोहल्ला क्लिनिक की जरूरत नहीं पड़ती। जो पहले की बिल्डिंगें टूट रही हैं उनके अंदर कोई काम नहीं, उसके अंदर डॉक्टर क्यों नहीं बैठा रहे हो? मोहल्ला क्लिनिक पे ही पैसा खर्च करने की जरूरत है क्या? सारा आप देख सकते हैं, तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं साफ तौर पर दिखाई देती है कि कौन जीतेगा इस चुनाव में। ये बताइए, दिल्ली में विकास हुआ क्या? हो सकता है हुआ हो। वजीराबाद में विकास हुआ क्या? विकास तो कहीं भी नहीं होता सर, क्षेत्रीय मुद्दे हैं, क्षेत्रीय मुद्दों की समस्याएं, जो क्षेत्रीय समस्या उन्हें दूर करने वाला अभी कोई हुआ ही नहीं है। और खास तौर पे मैंने साफ तौर पे कहा कि वजीराबाद का क्षेत्र तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है, उसकी एक बड़ी विडंबना साफ तौर पे देखी जा सकती है। लेकिन 8 फरवरी को जब मतदान होगा तो साफ तौर पे पता चलेगा कि किसका सिंहासन इस बार फिर से एक बार सरकार बनाएगी। कैमरामैन आशीष के साथ पुष्कल, भारत समाचार, दिल्ली।